अब फ्रेंड्स हम देखते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। बेसिकली स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, अगर कोई मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम सेम हो तो उस कंडीशन हम कहते हैं जो मैट्रिक्स है वो स्क्वायर मैट्रिक्स है। आ मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्वायर मैट्रिक्स इफ इट हैज नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल है, ये हमारे पास 1 2 3 फर्स्ट रो, 1 2 3 2 2 1 एंड 2 2 1 2 1, यानी फर्स्ट रो सेकंड रो एंड थर्ड रो। कॉलम देखे तो फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम, इसमें हमारे पास तीन रो हैं तीन ही कॉलम है, तो इस कंडीशन में ये मैट्रिक्स जो होगा 3x3 स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, या इसको हम पढ़ते हैं मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। तो इस तरह से हम स्क्वायर मैट्रिक्स की डेफिनेशन देख सकते हैं।